उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इस पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन इस बीच अमेठी सांसद स्मृति ईरानी लगातार राहुल गांधी को अपने निशाने पर लेती नजर आ रही हैं। एक बार फिर से तीखे अंदाज में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जब राहुल गांधी से पूछा गया कि आखिर राहुल गांधी वायनाड सीट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि वायनाड की जो जनता है वो वफादार है। तो क्या राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि अमेठी की जनता वफादार नहीं है? क्या कुछ स्मृति ईरानी ने कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या बला है वहाँ पर, यहाँ अमेठी से छिपा रहे हैं। आप सबने देखा होगा जिस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन भरा, उन्होंने लिख कर घोषित कर दिया वायनाड मेरा परिवार है। वहाँ तक तो ठीक था, फिर कर्नाटक के एक नेता ने जाकर भाषण दे दिया कि राहुल गांधी से पूछा गया आप वायनाड से कहे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार। हम क्या हुए, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा, और अब अमेठी की वफादारी पर ये तोहमत लगाते हैं। आप सबका भी तो समर्थन रहा था, आपने भी तो वफादारी दिखाई थी, परिवार माना था। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को। बहरहाल आपको बता दें, जो अमेठी सीट है वो गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इस सीट से राहुल गांधी 3 बार सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा था और इस सीट पर राहुल गांधी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं एक बार फिर से बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर भरोसा जताया है और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट से स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अब तक अमेठी सीट पर सस्पेंस बना हुआ है, अब तक कांग्रेस ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और को कांग्रेस मौका देगी। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार अमेठी सीट पर जो फाइट होने वाली है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी और जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और साथ साथ ये भी बड़ा सवाल है कि अगर राहुल गांधी इस सीट से मैदान में उतरते हैं तो क्या इस बार स्मृति ईरानी से फिर से उनको हार का सामना करना पड़ेगा या फिर कांग्रेस इस बार इस सीट से जीत हासिल करेगी, चूंकि 3 बार राहुल गांधी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपको क्या लगता है, क्या इस बार अमेठी सीट से राहुल गांधी ही मैदान में उतरेंगे या फिर कांग्रेस किसी और प्रत्याशी पर भरोसा जताएगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें विस्तार न्यूज़।